सिड ले आया संगीत सेरेमनी में घर में आई हुई रिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट सबके सामने है और मार दिया पल्लवी ने रिया को शो से तमाचा और मांगी प्राची से माफी। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब रिया हॉस्पिटल में होगी तभी डॉक्टर मधुरिमा के ना होने की वजह से रिया प्राची के पहचान वाली डॉक्टर के पास अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएगी। जहाँ पर जब प्राची के पहचान वाली डॉक्टर रिया का प्रेगनेंसी चेकअप करी होगी तभी वो डॉक्टर को काफी बड़ा शॉक लगेगा और रिया की प्रेगनेंसी का चेकअप करते वक्त डॉक्टर को एहसास होगा कि रिया के पेट में कोई बच्चा ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर प्राची के पहचान में रिया उसकी बहन होने की वजह से कुछ पल के लिए ये बात छुपाने के लिए डॉक्टर रिया को कहेगी कि ठीक है, तुम्हारा डीएनए चेकअप वाला प्रेगनेंसी रिपोर्ट घर में कल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर रिया के होश उड़ जाएंगे और रिया काफी ज्यादा प्राची के डॉक्टर से खुश हो जाएगी। लेकिन जब रिया अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवा के केबिन से बाहर आएगी और प्राची को कहेगी कि हो गया मेरा चेकअप, अब बस रिपोर्ट आना बाकी है और तुम प्राची बस कल सीट के साथ शादी करने के लिए रेडी रहना, तभी यह सुनकर प्राची को काफी बड़ा शॉक लगेगा। लेकिन जब प्राची डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करेगी तभी रिया प्राची को डॉक्टर के पास जाने से रोकेगी और कहेगी कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैंने सारी बात तुम्हारी डॉक्टर के साथ कर ली है, कल घर में मेरे डीएनए टेस्ट वाली रिपोर्ट आ जाएगी। यह सुनकर प्राची को रिया के ऊपर शक होगा और एहसास होगा कि रिया जरूर कुछ ना कुछ बड़ा छुपा रही है। लेकिन कल ही रिपोर्ट के साथ रिया की असली सच्चाई आ जाएगी, इसके लिए यह सोच के प्राची रिया को जाने देगी। लेकिन जब रिया काफी गुस्से से घर पहुंचेगी और आलिया को कहेगी कि बूजी, मैंने आज अपना डीएनए टेस्ट तो करवा लिया है, बस अब हमें यह आगे ध्यान रखना होगा कि कल संगीत सेरेमनी में वो डीएनए टेस्ट वाली रिपोर्ट आएगी तो घर में वो रिपोर्ट किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसका हमें खास ध्यान रखना होगा। लेकिन जब सेड अचानक से घर पहुंचेगा और रिया आलिया के कमरे में रिया आलिया के सामने जाएगा जहां पर पल्लवी भी खड़ी होगी, तभी पल्लवी सेड को कहेगी कि सेड तुम कहां चले गए थे, कल तुम्हारी और प्राची की शादी की संगीत सेरेमनी है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। तभी सिड कहेगा, हाँ माँ मुझे सब समझ में आता है, लेकिन मैं अपनी बहन के पास गया था क्योंकि कल संगीत सेरेमनी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन भी उस संगीत सेरेमनी में आए, क्योंकि अगर मेरी बहन संगीत सेरेमनी में नहीं आएगी तो मैं ये संगीत सेरेमनी भी नहीं करूँगा। ये सुनकर रिया आलिया को काफी बड़ा शॉक लगेगा और इशारों में सिड रिया आलिया को उसकी बहन को संगीत सेरेमनी के दिन लौटाने की धमकी देगा। लेकिन दूसरे दिन सिड प्राची की शादी की संगीत सेरेमनी होगी और रिया आलिया ना चाहते हुए सिड की बहन को उसे लौटा देंगे। तभी कॉली हाउस के दरवाजे पर अचानक से रिया की डीएनए टेस्ट वाली रिपोर्ट आएगी जहां पर डिलीवरी बॉय रिया का नाम लेगा। तभी सिड वो रिपोर्ट को अपने हाथ में लेने के लिए सामने आ जाएगा और सिड डीएनए टेस्ट वाली रिपोर्ट को ले लेगा और सबके सामने रिया की प्रेगनेंसी की असली सच्चाई लाने के लिए उस रिपोर्ट को खोलेगा और कहेगा कि रिया की डीएनए टेस्ट वाली रिपोर्ट सामने आ गई है, अब रिया का असली सच क्या है ये सबके सामने आ जाएगा। यह कहकर जब सिड रिपोर्ट निकालेगा और उस रिपोर्ट को पढ़ेगा और कहेगा कि रिया इज नॉट प्रेग्नेंट, उसके पेट में कोई बच्चा है ही नहीं, यह सुनकर पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्राची रणबीर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और प्राची रिया के सामने देखकर कहेगी कि मुझे तो पता ही था कि इसके पेट में कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, ये बस नाटक करी है। लेकिन जब अचानक से पल्लवी रिया के सामने आएगी तभी पल्लवी बिना सोचे समझे रिया को जोर से तमाचा मार देगी और प्राची से माफी मांगेगी। और पल्लवी को रिया को तमाचा मारना चाहिए क्या नहीं और प्राची से पल्लवी को माफी मांगनी चाहिए क्या नहीं, और आप रणबीर प्राची को हमेशा एक रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको रणबीर प्राची की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।